वैसे देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में बीचेस की कमी नहीं है। मतलब इतनी सारे बीच है ना, जैसे दीघा हो गया, मंदारमनी, ताजपुर, शंकरपुर। तो आज मैं ऐसे बीचेस के मतलब खोज में निकल पड़ा हूँ जिसका नाम है मंदारमनी। ये काफ़ी शांत जगह है। जिनको थोड़ा भीड़ भाड़ नहीं पसंद वो मंदारमनी आ सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ फ़ोटोशूट, कुछ मस्ती, कुछ मजाक। और मस्ती मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती की है। और संडे था तो संडे को राइड किया। वैसे ब्लॉग थोड़ा लेट से ही आएगा क्योंकि एडिटिंग प्रोसेस वगैरह करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है सारे चीज़ें। तो ये जगह के बारे में मैं सब चीज़ बताऊंगा डिटेल्स में। आपको ब्लॉग में बने रहना है, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलो। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों का आइडिया लग गया, आज हम लोग जाने वाले हैं मंदारमनी। वैसे सुबह देखो 7 बजे उठ गया, मतलब 11 बजे से पहले मैं उड़ता नहीं हूँ, लेकिन आज 7 बजे उठ गया सिर्फ ब्लॉग के चक्कर में। तो हम लोग मेरे घर से निकल रहे हैं मंदारमनी। तो मंदारमनी के बारे में मैं सारी चीज़ बताऊंगा। और ये देखो कौन आया सुबह सुबह डिस्टर्ब करने आ गया। वैसे भाई भाई सर सर बाकी सर ऑटोग्राफर छाती पे लिख दे ऑटोग्राफ। सो ओवरऑल गाइस ब्लॉग में बने रहना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टा फेसबुक में फॉलो नहीं करते तो फटाफट फॉलो कर लेना। बाकी मोटो ब्लॉग मोड पे बात करते हैं। और अभी जाना है रामनगर, फिर रामनगर से चावलखोला, फिर वहाँ से मंदारमनी 5 किलोमीटर अंदर। तो मैं सारी चीज़ बताऊँगा। और ये कुछ पीछे कर रहा था क्या, मैं देखता हूँ अभी। सो चलो मोटो ब्लॉग मोड पे बात करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं और पीछे सौरभ वगैरह आ रहे हैं, सौरभ और उनका एक चाचू। तो यहाँ से हमें पहले जाना है रामनगर, रामनगर 15 किलोमीटर, फिर रामनगर से जाना है चावलखोला। मतलब आप ज़्यादातर लोग कहाँ से आते हैं, दीघा लाइक कर ज़्यादातर लोग कोलकाता वगैरह से आते हैं। तो अगर कोलकाता से आओगे तो आपको चावलखोला बस स्टैंड में उतरना पड़ेगा, और बाइक से भी आओगे तो वहीं से ही उतरना है, फिर वहीं पर ही उतरना पड़ेगा। फिर बाइक से, अगर कोलकाता से बाइक से आ रहे हो तो चावलखोला से 5-6 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। तो बाकी ये मेरा मस्त शूट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग रामनगर निकलते हैं, फिर रामनगर से हम लोग जाएंगे चावलखोला, फिर चावलखोला से मंदारमनी। और संडे का सुबह सुबह राइड करने में मज़ा आ रहा है अलग से यार। लाइक सब सोते रहते हैं संडे को, लेकिन हम लोग राइड पे निकले हुए। तो गाइस हम लोग लाइक रामनगर से काफ़ी आगे आ चुके हैं। ये आपका दीघा और कंटाइलर रोड है। सो गाइस बोलते बोलते हम लोग चावलखोला पहुंच चुके हैं। ये मैं दीघा के साइड आ रहा हूँ, तो देख सकते हो बोर्ड पे लिखा हुआ है चावलखोला। अगर दीघा के साइड आओगे तो राइट जाना है, अगर कोंटाई के साइड आओगे मतलब कोलकाता से आओगे तो लेफ्ट जाना पड़ेगा आपको। और यहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगी। वैसे ऑटो ई रिक्शा ज़्यादा नहीं लेते, अगर रिजर्व वगैरह करोगे 100 या 150 में हो जाएगा। और अगर वैसे शेयरिंग में जाओगे तो 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। तो ये देखो ऑटो वगैरह बहुत सारी खड़ी है, ऑटो यार आपको मिल जाएगी वैसे। और यहाँ से बस वगैरह भी मिल जाती है कोलकाता के लिए। तो यहाँ से आपको मुड़ना है और यहाँ पे ऑटो देखो, ये ऑटो रिक्शा वगैरह बहुत सारा खड़ी है, इधर भी है। तो यहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ काफ़ी मिल जाएंगी। सॉलिड गाइस मंदारमनी वाला फील आने लगा है। मतलब एरिया देख रहे हो, इतना शांत माहौल है। बस 1 किलोमीटर और रह रहा है, सीधा जाना है, फिर एक टर्निंग आएगा। जैसे ही टर्न करूँगा फिर मंदारमनी का मेन घाट आएगा उधर, लाइक मंदिर वगैरह है सब कुछ। तो वो सारी चीज़ें मैं ब्लॉग में कवर करूँगा ही करूँगा। और ये
रहने के लिए तो काफ़ी कुछ है यार यहाँ पे। देखो बॉम्बे बीच रिजॉर्ट, फिर एंटीक्यू रेजेंसी और काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ है यार यहाँ पे। इतने सारे डायमंड ग्लोरी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इतने सारे आपको इधर रिजॉर्ट वगैरह मिल जाएगा विथ स्विमिंग पूल वो भी। बाकी संडे शायद बीच में भीड़ हो ना हो पता नहीं। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदारमनी और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि भूख लगी है सुबह से, कुछ भी नहीं खाया। और मेरे घर से लगभग ये 30 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर सुबह खाली पेट आना वो भी बहुत बड़ी बात है। बस वो चना खाया था मैं थोड़ा, और ये पता नहीं क्या खाया था, मुझे पता नहीं है। मैं भी चना खा गया, चना खा गया, थोड़े जैसे भागेगा क्या। बाकी दिन गार्डन गार्डन हो रहा है देख के भाई। और माहौल देखो, एक तो संडे का माहौल है और देखो ये बीच ना बहुत बढ़िया बीच है। बाकी यहाँ पे हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बने रहो, सब्सक्राइब करो, दिखाते हैं। बाकी नेक्स्ट ट्रिप भी है 15 दिन बाद, है ना, वो तो मस्त वाला होगा। चाचू शायद नहीं रहेंगे, चाचू शायद अभी भी दुबई जा रहे हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आप लोगों को सारी चीज़ दिखाता हूँ मैं। सो गाइस अभी हमारा आ गया चाय। हाँ वाइब्स ना बहुत बढ़िया वाला वाइब्स आ रहा है। हाय हाय, और नींद भी आ रही है, इतना सुबह उठ के आया ना, इसने मुझे 5:30 या 6 बजे कॉल कर दिया था कि भाई। मैं 2 बजे सोया था रात को, 5 बजे उठ गया, 3 घंटे का नींद लेकर आया हूँ, फिर भी इतना चार्ज रहा क्योंकि आया है। इसका शूट भी करवाना है ना इसको फ्री में, वो भी पैसा नहीं देता फोटोग्राफर को। पैसा किसी का पैसा, ये मेरा, एक दिन लूंगा इसके शादी में अच्छे से। इस हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लिया, उसके बाद एक अंडा एक ऑमलेट, ये दोनों नहीं खाएंगे कह रहे अभी नवरात्रि चल रहा है पता नहीं क्यों। और ये कुछ भैया लोग मिले, ये भी कोलकाता से आए, कोलकाता से आए हो ना, देख के लग रहा है ना। तो ये लोग भी ब्लॉगर्स हैं, तो बैठ के बात कर रहे थे सारे चीज़। बाकी ये ख़त्म करता हूँ, फिर आप लोगों को बीच घुमाता हूँ। बीच साइड देख रहे हो खाली खाली है, तो बीच में आके बाकी बात करते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग अभी बीच साइड आ चुके हैं, और पहला स्टेप आपको पता लग गया कि कैसे आना है चाउरकुला से, बाई ऑटो या लाइक बाई ई रिक्शा से आ सकते हो। अभी बीच में पहुंच चुका हूँ, वैसे भाटा चल रहा है इसलिए बीच में हम लोग पूरा उतर गए, और हवा के चक्कर में ना हमें लाइक ज़्यादा गर्मी भी फील नहीं हो रहा। और इस साइड देखो सब बोटिंग वगैरह चल रहा है इधर, जैक्सी राइड वगैरह। और हम लोग थोड़ा पानी के साइड जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया उस साइड, तो मैं जाके दिखाऊंगा जैसे एग्जिट करूंगा वो सारे दिखाऊंगा क्या क्या आप लोग मिलेगा और क्या क्या फैसिलिटीज। तो गाइस ये देखो, ये जितने ये नहीं, ये होटल नहीं है, ये रेस्टोरेंट वगैरह है। और दोनों साइड पीछे के साइड ना पूरा होटल एरिया यहाँ है, और इस साइड होटल है। तो एक होटल में मैं स्टे किया था कुछ दिन पहले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। और एग्ज़िट करूँ थोड़ा सा, फिर मैं दिखाऊँगा वहाँ पर लाइक आपको फूड शॉप कहाँ मिलेगा, और सारे फूड शॉप वगैरह दिखाऊंगा, और होटल के वो लेन है ना पूरा वो भी दिखाऊंगा। वैसे सौरभ कह रहा था उसको जैक्सी राइड करना है, एक बार ये देखते हैं कितने का पूछते हैं। सौरभ दाबी दादा कत करे है? 200 टका। सौरभ तो गाइस जैक्सी राइड यहाँ पे 200 है, तो सौरभ जा रहे हैं, मैं तो नहीं जाऊँगा क्योंकि भीग जाऊँगा पूरा, ड्रेस सब ऑयल होके आया हूँ, ये कह रहा थोड़ा भीग जाऊँगा। हाँ एक जन तो ये जा रहे हैं सौरभ, निकल यहाँ से। और बाकी ये देखो अभी लोग नहा रहे, इतने सुबह सुबह लोग नहाने भी लग गए। इस साइड एक नारियल पानी वाला है, और अच्छा बीच है यार, काफ़ी शांत माहौल है, बहुत बढ़िया लगता है वैसे ये बीच मुझे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. यहाँ देखो गाइस बच्चे सुबह सुबह आके बहुत नहा कूद रहे हैं, और वाह जस्ट मतलब संडे का मॉर्निंग आया ना, ऐसा लग नहीं रहा है कि संडे है। और अगर शहर वगैरह में होता है क्या होता है, पूरा शांत रहता है, सब सोते रहते हैं आराम से 10-11 बजे तक उठते, लेकिन यहाँ देखो लोग नहा रहे हैं। और अभी लगभग देखो 9 बजे लोग नहाने लग गए। सो गाइस ओहो कितना मज़ा आ रहा है यार,
फाइनली उनका बोट आ गया। तो गाइस रहते रहते भीड़ बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है क्योंकि वैसे संडे का माहौल है और यहाँ पे हॉर्स राइड भी कर सकते हो। 100 रुपये लेते हैं फिर नारियल पानी जो मन में है वो करो यार। बीच में वैसे खुला जगह है ना यहाँ पे, वैसे दीघा जैसा नहीं है। दीघा में क्या होता है आपको अगर भाटा और जो और कुछ भी होना वैसे ही थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आता है दीघा में, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से घूम सकते हो। और सौरभ को तो बहुत मज़ा आया, मैं भी चला जाता, एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लाया था, ये तो एक्स्ट्रा कपड़ा लेके आया था ऑलरेडी और मज़ा आया ओवरऑल। बाकी ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। सो गाइस जैसे लाइक बीच से आओगे ना तो दोनों साइड देखो काफ़ी सारे स्टॉल है फूड्स वगैरह, मतलब थोड़ा सा फास्ट फूड वगैरह या नारियल पानी और ये सब घर के लिए सामान। अगर कोई गर्लफ्रेंड लेके आ रहे हो तो उनको दिला सकते हो गिफ्ट में, वैसे थोड़ा सा महंगे लेते हैं ये लोग। और यहाँ पे एक वॉशरूम भी है, बाकी ये सब दुकानें हैं। इधर ब्रेकफास्ट लंच और रात को डिनर वगैरह सब मिलता है, सब मिल जाता है इधर। तो इस साइड है ये नॉर्मल स्टेशनरी आइटम्स और खिलौना वगैरह लेने के लिए, इस साइड बैग्स वगैरह आपको मिल जाएगा काफ़ी सारे, देख रहे हो बैग्स कलेक्शन। और एक मंदिर है बाकी ना वो लेन में पूरा होटल ही होटल है, तो वो मैं मोटो ब्लॉग मोड में दिखाता हूँ सारी चीज़ होटल्स वगैरह, और लिंक डिस्क्रिप्शन में कुछ होटल्स के जाके देख लेना। ये देखो रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको खाने पीने की चीज़ें। ये पूरा मार्केट ही मार्केट है अंदर। गाइस थोड़ा सा मार्केट भी दिखा देता हूँ, घर लेके जाओगे कुछ चीज़ें मिल जाएंगे यहाँ पर। और ये स्टेशनरी यहाँ पे फूड वगैरह बहुत कुछ मिल रहा है यार। और इस साइड भी दुकान है, काफ़ी सारे स्टॉल हैं यार। और यहाँ पे आपको ई रिक्शा सर्विस मिल जाएगी यहाँ से चावलखोला जाना है तो उसके लिए, या चावलखोला से आओगे तो पहले बताया था वो उसके लिए भी। और एक मंदिर है छोटा सा दुर्गा माँ के, यहाँ भी मंदिर है। पार्किंग वगैरह की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगा सब मंदिर में। वैसे ये साइड ना लाइक दीघा वगैरह बहुत भीड़ भाड़ होता है, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं। और ये लिखा हुआ है कार बाइक पार्किंग, तो सब चीज़ का पार्किंग वगैरह इधर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और इसने आज बहुत नहाया। अभी मैं होटल दिखाता हूँ आप लोगों को, मतलब रोड के दोनों साइड ही होटल्स ही होटल्स है। तो वैसे पार्किंग से निकालते हैं पहले लाली को, अरे लग गई क्या। और अभी हम लोग लोगों ने नहा लिया इतने सुबह सुबह, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा होटल दिखा देता हूँ। तो जैसे मंदरमुनी आओगे ना दोनों साइड ही आपको होटल्स होटल्स मिलेंगे। देखो इस साइड एसी नॉन एसी बुकिंग काउंटर, बस वगैरह के बुकिंग काउंटर, इधर ही देखो एसी डीलक्स रूम, और इस साइड रिजॉर्ट रिजॉर्ट, फिर यहाँ ये भी एक होटल है। तो काफ़ी होटल्स है, ऐसा नहीं है कि एक दो रिजॉर्ट है एक दो होटल है, यहाँ पे होटल्स ही होटल्स है यार। मतलब जहाँ भी देखो ये डिप्सी बीच, जहाँ भी देखो होटल्स ही होटल्स, जितना मैं अंदर जाऊँगा ना उतना ही होटल्स मिलेंगे आपको। मून लाइफ होटल एंड रेस्टोरेंट, तो काफ़ी होटल है यहाँ पे, सिर्फ एक दो नहीं है, यहाँ पे काफ़ी होटल है काफ़ी। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, ये लाइक रोड नया रोड खुला है, ये मैंने आया नहीं था, पहली बार आया हूँ, वैसे ढूंढते ढूंढते आया यार। तो ये मरीन ड्राइव मंदारमनी से शंकरपुर का जो हुआ था प्रोजेक्ट उसका मरीन ड्राइव रोड है। वैसे दिख के तो देख के तो बहुत बढ़िया लग रहा है, फील वाइब्स अलग से आ रहा है बिल्कुल। वो जस्ट दोनों साइड देखो कितना प्यारा आ रहा होगा, ताजपुर, ताजपुर से ये ब्रिज दिखता था, अब याद आया मुझे।
ताजपुर से ये ब्रिज दिखता है वैसे। वो 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 सो गाइस ये जगह थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए रुक गया। यहाँ पे एक अंकल फिशिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ डांस वगैरह करने वाले क्योंकि डांस करने का बहुत मन हो रहा है। चाचू रेडी, सिनेमाटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू नाटू नाटू सॉन्ग। करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर देना, एक लाइक भी कर देना, लाइक बिल्कुल नहीं करते यार। एंड हाँ, ऐसे वीडियोस के लिए, ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।